Welcome, dear student. In this video lecture, we discuss about the horizontal gene transfer and genetic recombinations. In the first one, we discuss about the gene transfer. The gene transfer refers to the movement of the genetic information between organism. दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो जीन का जो ट्रांसफ़र हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल का जो ट्रांसफ़र हो रहा है, उसको हम क्या कह रहे हैं, जीन ट्रांसफ़र। ये मे बी सेम स्पीशीज़ के अंदर, वजह से दो इकोलाई सेम स्पीशीज़ के इकोलाई बैक्टीरिया है, उन दोनों के बीच में जो जीन का ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, मे बी सेम स्पीशीज़ के अंदर भी हो सकता है, या फिर डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर भी क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल का इंफॉर्मेशंस का जो ट्रांसफ़र हो रहा है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, जीन ट्रांसफ़र। जीन ट्रांसफ़र कैन बी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। जो हमारा टाइप्स है जीन ट्रांसफ़र में भी हॉरिजॉन्टल हो सकता है या वर्टिकल हो सकता है। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र। इन द वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र, जीन्स आर ट्रांसफ़र फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ सफरिंग इज टर्म एज वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र। ठीक है, जो हमारे पेरेंट से ऑफ सफरिंग के अंदर जो जीन का ट्रांसफ़र हो रहा है, उसको हम क्या कह रहे हैं, वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र। तो एग्जांपल इसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होता है यूकैरियोट्स के अंदर, वो किसका एग्जांपल है हमारा, वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र का। ठीक है, सेकेंड टाइप्स ऑफ जीन ट्रांसफ़र इज हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र। द हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र इज ऑल्सो नोन एज लेटरल जीन ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र ऑफ जीन्स बिटवीन टू इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र। ठीक है, जो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो जीन का ट्रांसफ़र हो रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र या लेटरल जीन ट्रांसफ़र। ठीक है, जो हमारा हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र है, इट मे बी थ्री मैकेनिज्म। ठीक है, थ्री मैकेनिज्म्स ऑफ द हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र इन प्रोकैरियोट्स हैव बीन डिस्कवर्ड। ठीक है, प्रोकैरियोट्स के अंदर तीन मैकेनिज्म से जो हमारे जीन्स है, जो उनका जो ट्रांसफ़र है, हॉरिजॉन्टली लेटरली हो सकता है। फर्स्ट वन इज कॉन्जुगेशन, एंड सेकेंड वन इज ट्रांसफॉर्मेशन, एंड थर्ड वन इज ट्रांसडक्शन। इन कॉन्जुगेशन द जेनेटिक मटेरियल डीएनए आर ट्रांसफर्ड बाई बैक्टीरिया थ्रू ट्यूब्स। ठीक है, दो बैक्टीरिया के बीच में जो जीन का ट्रांसफ़र है, वो किसके हेल्प से हो रहा है, ट्यूब की हेल्प से हो रहा है। इस टाइप का जो लेटरल ट्रांसफ़र हो रहा है दो बैक्टीरिया के बीच में, उसको हम क्या कहेंगे, कंजुगेशन। एंड द सेकंड वन इज ट्रांसफॉर्मेशन। इन द ट्रांसफॉर्मेशन बैक्टीरियम आर कैन बी एक्सचेंज ट्रांसफर देयर जीन्स विदाउट द हेल्प ऑफ ट्यूब दे ट्रांसफर देयर जेनेटिक मटेरियल इन नेक्ड। ठीक है, जो नेक्ड जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, वो ट्रांसफ़र होता है एक बैक्टीरियम सेल से दूसरी बैक्टीरियम सेल्स के अंदर। दिस टाइप ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ द जीन मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। एंड थर्ड वन इज ट्रांसडक्शन। इन ट्रांसडक्शंस द जीन्स आर ट्रांसफर्ड मूव्ड फ्रॉम द बैक्टीरियम टू अनोदर बाई ए वायरस। ठीक है, दो बैक्टीरिया के अंदर जो जीन का ट्रांसफ़र हो रहा है, वो किसकी हेल्प से हो रहा है, वायरस की हेल्प से जेनेटिक मटेरियल क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। दिस टाइप को हम क्या कहेंगे, ट्रांसडक्शन। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम देखते हैं। जैसे फर्स्ट वन इज कॉन्जुगेशन, दो बैक्टीरियल सेल्स एक्सचेंज देयर जीन मटेरियल विद द हेल्प ऑफ ट्यूब, दिस ट्यूब इज नोन एन पाइलस। ठीक है, दिस टाइप का जो ट्रांसफ़र हो रहा है जेनेटिक मटेरियल का, उसको हम क्या कह रहे हैं, कंजुगेशन। अगर हमारा जो जेनेटिक मटेरियल वो नेक्ड ट्रांसफ़र हो रहा है दो बैक्टीरियल सेल्स के अंदर, उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशंस। अगर हमारा कोई भी वायरस है, फाज है, उसकी हेल्प से जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हो रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसडक्शन। तो जो हमारा हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र है, HGT है, वो तीन टाइप से हो सकता है, तीन मैकेनिज्म से हो सकता है। एक तो हमारा ट्यूब की हेल्प से, सेकंड हमारा नेक्ड, एंड थर्ड है हमारा बैक्टीरिया जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो वायरस की हेल्प से हो रहा है। ठीक है, तो तीन टाइप्स है, तीन मैकेनिज्म्स है हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र के। ठीक है, तो आपके जो एग्ज़ाम में ट्रांसफॉर्मेशन जो मैकेनिज्म है HGT का, वो आपका पूछा गया है प्रीवियस एग्जाम के अंदर। नाउ द जेनेटिक मटेरियल विच कैन ट्रांसफ़र फ्रॉम द वन बैक्टीरियल सेल्स टू अनदर बैक्टीरियल सेल्स इज नोन एज एक्सोजीनोट। एंड द एक्सोजीनोट विच इंटीग्रेट इन द बैक्टीरियल क्रोमोजोम इज नोन एज एंडोजीनेट। एंड द फॉर्मेशन ऑफ द एक्सोजीनेट एंड एंडोजीनेट फॉर्म्स द
मीरोजाइगोट, ठीक है। तो जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है जो ट्रांसफ़र हो रहा है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर, उसको हम क्या कह रहे हैं, एक्जोजिनोट। एंड जिस बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल से ये क्या करेगा, अटैच होगा, ठीक है, रेसिपिएंट से अटैच होगा, उसको हम क्या कहेंगे, एंडोजीनियोट। और जो हमारा एंडोजीनियोट और एक्जोजीनियोट है दोनों ज्वाइन होने के बाद क्या बनेगा हमारा, मीरोजाइगोट, ठीक है। और इसी को हम क्या कह रहे हैं, जेनेटिक रिकम्बिनेशन। दो जो बैक्टीरिया थे उनका जो जीन है वो क्या हो गया हमारा, रिकम्बिनेंट हो गया है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, मीरोजाइगोट। द फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए दैट ट्रांसफर ड्यूरिंग हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर फ्रॉम ए डोनर सेल्स टू रेसिपिएंट सेल्स इट रिफर्स एज एक्जोजीनियट, ठीक है। तो जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए फ्रैगमेंट्स है ट्रांसफर्ड हो रहा है एक्जोजीनियट से, डोनर सेल से रेसिपिएंट्स के अंदर, उसको हम क्या कह रहे हैं, एक्जोजीनियट। और जो रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल्स है जो जेनेटिक मटेरियल को रिसीव कर रहा है डोनर का, जिसके साथ इंटीग्रेट हो रहा है, उसको हम क्या कह रहे हैं, एंडोजीनोट। एंड दोनों एक्जोजीनियट और एंडोजीनियट के कॉम्बिनेशंस के कारण जो फॉर्मड होगा उसको हम क्या कहेंगे, मीरोजाइगोट या पार्शली डिप्लोइड, ठीक है। और इस मीरोजाइगोट को हम क्या कह रहे हैं, जेनेटिक रिकम्बिनेशन। दो बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या हो गया, रिकम्बिनेंट हो गया, ठीक है। इन ट्रांसफॉर्मेशंस द जो फिजिकल कॉन्टैक्ट है दो बैक्टीरिया के अंदर डज नॉट रिक्वायर, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर जो फिजिकल कॉन्टैक्ट है रिक्वायर्ड नहीं होता है, और इनके अंदर कोई भी पोलैरिटी प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। मीन्स कि ये वाला जो बैक्टीरियल सेल्स है ये हमारा डोनर का काम कर रहा है, अपना जेनेटिक मटेरियल क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, और ये वाली सेल्स रिसीव कर रही है, तो इसको हम कह रहे हैं रिसिपिएंट, ठीक है। तो इसके अंदर जो रेसिपिएंट है वो डोनर का काम कर सकता है, एंड जो डोनर है वो किसका काम कर सकता है, हमारा रेसिपिएंट का काम कर सकता है। तो इन ट्रांसफॉर्मेशन द बैक्टीरिया हैज नो पोलैरिटी, ठीक है। जो हमारी डोनर सेल्स है वो मे बी रेसिपिएंट का काम कर सकती है, और जो हमारी रेसिपिएंट सेल्स है इट मे बी वर्क एज डोनर। तो इन दी ट्रांसफॉर्मेशन दे हैव डू नॉट पोलैरिटी, एंड द जीन ट्रांसफर इन ट्रांसफॉर्मेशन इज नेक्ड, ठीक है। नेक्ड डीएनए ट्रांसफर होता है, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है, एंड वी हैव अप्लाइड द एनेज, ठीक है, विच कैन ईजिली डिग्रेड द डीएनए मटेरियल्स बिकॉज द डीएनए मटेरियल आर ट्रांसफर बाय द ट्रांसफॉर्मेशन इज नेक्ड। देन द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस इज डीएनए सेंसिटिव, एंड द सेकेंड टाइप ऑफ कंजुगेशन द जेनेटिक मटेरियल इज ट्रांसफर विद द हेल्प ऑफ ट्यूब्स इज नोन एज फिजिकल कॉन्टैक्ट रिक्वायर्ड एंड द पोलैरिटी आज रिक्वायर्ड ओनली एफ पॉजिटिव सेल्स दे हैव फर्टिलिटी फैक्टर विच कैन डोनेट देयर जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर देयर जेनेटिक मटेरियल्स। सो कंजुगेशंस हैव पोलैरिटी प्रेजेंट फिजिकल कॉन्टैक्ट रिक्वायर्ड बट नो नेक्स्ट डी एन ए आर ट्रांसफर दे ट्रांसफर इन दी ट्यूब। सो दी डी एन ए दिस प्रोसेस ऑफ जीन ट्रांसफर इज डी एन एज रजिस्टेंस। एंड दी थर्ड टाइप ऑफ ट्रांसडक्शन फिजिकल कॉन्टैक्ट नॉट रिक्वायर्ड बट दे हैव पोलैरिटी नो पोलैरिटी दी डोनर सेल्स आर एक्ट एज ए रिसिपियंट एंड दी रेसिपियंट सेल्स एक्ट एज ए डोनर, ठीक है। कोई भी सेल्स अपना जेनेटिक मटेरियल क्या कर सकती है, ट्रांसफ़र कर सकती है, ठीक है। और इसमें अंदर जो डीएनए है जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफ़र हो रहा है विद द हेल्प ऑफ वायरस, सो इट ऑल्सो डीएनए रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसके अंदर हम डीएनए डालेंगे तो ये क्या है, रेजिस्टेंस है उसके लिए, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र एंड जेनेटिक रिकम्बिनेशंस।